दोस्तों ये दौर था 1999 का, गर्मियों का मौसम चल रहा था। तभी जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में ताशी नामग्याल एक चरवाहे को एक अजीब सी हलचल दिखाई देती है। असल में ये चरवाहा अपने पहाड़ी याक की तलाश कर रहा था। इस दौरान ये चरवाहा नियंत्रण रेखा की उन भयानक बर्फीली पहाड़ियों में पहुंच गया था, मगर दो कदम चलते ही वह हक्का बक्का रह गया था। असल में उसे पास ही के दर्रे में पाकिस्तानी सेना की हलचल दिखाई देती है। फिर क्या था, आओ देखा ने ताओ, ताशी नामग्याल फौरन ही भारतीय आर्मी के कैंप में पहुंच गए थे। और ये तारीख थी 2 मई 1999 की। आनन फानन में ही आर्मी ने अपना सर्च अभियान चलाया। भारतीय आर्मी के लिए मंजर उस समय बड़ा ही भयानक बन गया था, जब उसे पाकिस्तानी सेना की कई टुकड़ियों को भारतीय सीमा में पाया। भारत के लिए यह बेहद ही दुखद खबर थी। हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सेना भारत में घुस आई थी और भारत को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। असल में पाकिस्तानी सेना ने इस कहानी को अंजाम दिया था अक्टूबर नवंबर महीने में, जब भारतीय आर्मी बर्फीली पहाड़ियों को छोड़कर नीचे मैदानी भागों में आ गए थे। असल में इसकी भी एक वजह थी, कारगिल की चोटियां हर समय बर्फ से ढकी रहती थी और यहां का तापमान -30 से -40 डिग्री तक हो जाता था, और ये तापमान हमारी हड्डियों को गलाने के लिए काफी था। मगर 1947 से ही एक व्यवस्था चली आ रही थी, जब भी नियंत्रण रेखा के आसपास मौसम बड़ा ही भयानक हो जाता था, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती थी और यहाँ की चोटियों का तापमान -30 से -40 डिग्री हो जाता था, तब भारत और पाकिस्तान की आर्मी अगले आने वाली गर्मियों तक इन पहाड़ियों को खाली छोड़ दिया करते थे। और ऐसा ही इस बार 1998 में होने वाला था। समय था अक्टूबर नवंबर 1998। हर बार की तरह भारत पाकिस्तान की सेना इन बर्फीली पहाड़ियों के बंकरों को छोड़कर नीचे मैदानी भागों में जाने वाली थी, मगर इस बार एक भयानक खौफनाक मंजर का आगाज होता है। भारतीय आर्मी अपनी पोस्टों को छोड़कर हमेशा की तरह अपने निचले इलाके में चली गई थी, मगर इस बार वही हुआ जिसका हमें डर था। पाकिस्तानी सेना नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। असल में यह उनकी एक नई चाल थी। 1984 से ही भारतीय सियाचिन वाला एरिया पाकिस्तान को खटक रहा था, क्योंकि उस दौर में पाकिस्तान भारत से बुरी तरह हार गया था और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा लहरा दिया था। अब पाकिस्तानी सेना उसी बदले की फिराक में थी। पाकिस्तानी सेना को लीड कर रहे थे जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके साथ थे जनरल जावेद हसन और अजीज खान। ये सब मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे और यही खबर हमें 2 मई 1999 को एक चरवाहे ने दी थी। असल में मस्कोक, द्राश, काक्सर और बटालिक इन सभी एरिया को मिलाकर कारगिल नाम दिया था, क्योंकि यह कारगिल जिला था और अब यह एरिया पूरी तरह पाकिस्तान के कब्जे में था। नियंत्रण रेखा के पास ही नेशनल हाईवे 1A गुजरता था, जो भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। वह श्रीनगर से होता हुआ लेह को जोड़ता था और आगे सियाचिन तक जाने का यही एकमात्र रास्ता था, और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि यह रास्ता बना रहे। और सबसे पहले उन्होंने इसी नेशनल हाईवे को टारगेट किया था ताकि सियाचिन जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध किया जाए। समय था 5 मई 1999। भारतीय फौज की एक टुकड़ी पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ की हलचल पर नजर रखने गई थी, मगर ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला था। इसी समय एक नाम उभर कर सामने आता है, कैप्टन सौरभ कालिया का, जो अभी नए नए ही सेना में भर्ती हुए थे। पेट्रोलिंग के दौरान ये उन बर्फीली पहाड़ियों में पहुंच गए थे जहां घुसपैठियों का ठिकाना था। उन्होंने वहां की हरकत देखकर अपने अधिकारियों को खबर दे दी थी। अगर कैप्टन सौरभ कालिया चाहते थे तो वे अपनी पोस्ट पर वापस आ सकते थे, मगर घुटने टेकना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था, और वो भी माँ भारती के लिए।
घुसपैठियों के पास भारी मात्रा में हथियार थे और वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे, मगर अफसोस सौरभ कालिया की टीम के पास हथियार खत्म हो गए थे और वे पकड़े गए। और यहीं से शुरू होती है पाकिस्तानी सेना की घिनौनी हरकत। कैप्टन सौरभ कालिया को बेहद ही दुखदायी तकलीफों से गुजरना पड़ा था। असल में सौरभ कालिया के हर अंग को काट काट कर उन्हें परेशान किया था, उनकी आंखें फोड़ दी थी, उनके हाथ काट दिए थे और निजी अंग को भी भंग कर दिया था और अंत में उनकी बॉडी को काट कर बोरे में भरकर फेंक आए थे। ऐसी कायर थी पाकिस्तानी आर्मी। 9 मई 1999 पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी होती है और इसी दौरान कारगिल में रखा भारतीय आर्मी का गोला बारूद नष्ट कर दिया था। अब भारतीय आर्मी धीरे धीरे ऊंची पहाड़ियों पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थी, मगर मौसम बेहद ठंडा था और चढ़ाई भयंकर दुर्गम थी। जैसे जैसे ही ऊंचाई पर चढ़ते ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी, मगर दुश्मन तो ऊंचाई पर छिपकर बैठा था। पता ही नहीं चल रहा था कि गोली कहां से आ रही थी और वह भी बड़े घातक हथियारों से। मगर मां भारती के सपूत रुकने वाले कहां थे। कारगिल की चोटियों में द्रास चोटी सबसे महत्वपूर्ण थी और यहीं पर मौजूद थी तोलोलिंग की पहाड़ियां और टाइगर हिल की पहाड़ियां। असल में यहां काम कर रहा था ऑपरेशन विजय, जो थल सेना ने चुना था। इसी कड़ी में तोलोलिंग पहाड़ी और टाइगर हिल को भी भारतीय सेना ने फतेह कर लिया था और यहां अब तिरंगा लहरा रहा था। तोलोलिंग पहाड़ी फतेह करने में मेजर विवेक गुप्ता का नाम आता है। वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया था। तोलोलिंग फतेह ऑपरेशन विजय की पहली जीत थी। अब कारगिल में भारतीय सेना की कई रेजिमेंटों का जमावड़ा लग गया था, जिसमें अलग अलग संप्रदायों के कई सैनिक अपनी मातृभूमि को बचाने में लगे थे। सिख, जाट, बिश्नोई, राजपूत, मुसलमान, नेपाली और अनगिनत नाम। कारगिल युद्ध में अगर किसी हथियार का नाम आता है तो सबसे पहले बोफोर्स तोप का नाम था, जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। बोफोर्स तोप ने ही दुश्मनों के बंकर को आग के हवाले कर दिया था। समय था 26 मई 1999 का। अब बारी थी भारतीय वायु सेना की। भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर को आरंभ किया था, मगर यह दुर्गम पहाड़िया 18,000 फीट ऊंचाई पर थी और हमारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर 10,000 फीट तक ही उड़ सकते थे। इतनी ऊंचाई पर केवल हमारे मालवाहक हेलीकॉप्टर ही जा सकते थे। इन्हीं मालवाहक हेलीकॉप्टर को जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए रॉकेट लॉन्चर जोड़ दिए थे। अब पाकिस्तानियों को धूल चटाने की बारी थी। वायुसेना को लीड कर रहे थे विंग कमांडर ए.के. सिन्हा। इसी समय हमारे एयरफोर्स के विंग कमांडर नचिकेता इन्हीं पहाड़ियों में घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। तभी अचानक उनका विमान क्रैश होने की वजह से वे पैराशूट के जरिए नीचे कूद गए थे, मगर वह एरिया पाकिस्तान का था और इस तरह कारगिल के युद्ध में नचिकेता पहले बंदी बनाए गए थे। नचिकेता की खोज में हमारी एयरफोर्स के अजय अहलूवालिया सर्च अभियान के लिए भेजे गए थे, मगर पाकिस्तान की तरफ से आती मिसाइलों ने उनके विमान को भी चपेट में ले लिया था और अहलूवालिया बड़ी बहादुरी से पैराशूट के जरिए नीचे कूद गए थे, मगर आसमान में ही पाकिस्तानी सेना ने अहलूवालिया को इतने घाव दिए कि जमीन पर उनके हजारों टुकड़े नीचे गिर रहे थे। माँ भारती के ऐसे लाल को भारतीय जनता कभी भूल नहीं पाएगी, उनका ऋण आज भी बाकी है। विंग कमांडर नचिकेता को तो पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया था और एक ऐसा ही वाकया घटा था कारगिल की पहाड़ियों में। ये दिल मांगे मोर। असल में 13 जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा, जब पाकिस्तानी उनका नाम सुन लेते थे तो खौफ में अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाया करते थे। और ऐसी ही घटना घटी थी 20 जून 1999 को। 0.5140 एक दुर्गम पहाड़ी पर पाकिस्तान की सेना जमी हुई थी और विक्रम बत्रा की टीम ने उन्हें घेर कर इस दुर्गम पहाड़ी पर तिरंगा लहरा दिया था और वह भी रात को 3 बजे। और विक्रम बत्रा ने रेडियो पर अपना उद्घोष
ये दिल मांगे मोर के साथ परिचय दिया था, जो पहचान आज भी उनकी बरकरार है। भारतीय नौसेना ने भी पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। नौसेना ने अरब सागर में ऑपरेशन तलवार को अंजाम दिया था। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्हीं के कुशल निर्देशन में इस कारगिल युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचाया था। कारगिल की चोटियों को फतेह करने के लिए करीब 2.5 महीने का समय लगा था। पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका ने किया था, वहीं भारत का साथ दिया था रशिया ने, जो कि यादगार पल थे। मां भारती के हजारों शहीदों को यूनिक डिस्कवरी टीम सैल्यूट करती है। सभी योद्धाओं का परिचय यहां संभव नहीं था, फिर भी पूरी कोशिश की गई। जय हिंद, जय भारत। आपके विचार भी सादर आमंत्रित है। मुझे आशा है आप इस वीडियो को लाइक करके दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे, साथ ही चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।